बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया, टोटली नया माइंडसेट चेंज करवाया। आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया के गांवों को कुछ समय पहले तक कहते थे कि लास्ट विलेज है, मोदी जी ने उसको फर्स्ट विलेज बनाया। तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2280 किलोमीटर्स नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। करीब 4400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं तीसरे डिसीजन पे आता हूँ आज के कैबिनेट के। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया, टोटली नया माइंडसेट चेंज करवाया। आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया के गांवों को कुछ समय पहले तक कहते थे कि लास्ट विलेज है, मोदी जी ने उसको फर्स्ट विलेज बनाया। हम सब के सब कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब किसी न किसी वाइब्रेंट विलेज में गए जिसको फर्स्ट विलेज का दर्जा दिया गया, और वहां पे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की सोसाइटी में जो नीड्स होती हैं, रोड्स, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इन सब की सुविधा मिले, ऐसा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी आप सबके जानकारी में ऑलरेडी है। कुछ महीनों पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। बड़ा फोकस दिया गया कनेक्टिविटी पर, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी पर। तो आज उसी कड़ी में राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं, बड़ा बॉर्डर है दोनों के, दोनों राज्यों का मिला के, तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2280 किलोमीटर्स नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। 2280 किलोमीटर्स, करीब 4400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, 4406 करोड़। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लोगों के आने जाने में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रेड के लिए, हर तरीके से अपने सोशल नीड्स के लिए, जो ट्रैवल की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। देखो, इसमें माइंडसेट चेंज इस तरह का है कि एक समय था जब बॉर्डर एरियाज को तत्कालीन सरकारें कभी भी इतना ध्यान नहीं देती थी, और उसमें कई परवर्स आर्ग्यूमेंट्स भी किए जाते थे कि ये अगर डेवलप हो गया तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस तरह की आपकी जानकारी में है तत्कालीन सरकारों ने क्या माइंडसेट रखा था। तो अब उसके एकदम विपरीत है। चाहे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा बॉर्डर है उसको देखो, या वेस्ट में हमारा बॉर्डर है, या नॉर्थ में हमारा बॉर्डर है उसको देखो, तो हर जगह बॉर्डर एरिया पे स्पेशल फोकस करके उसको डेवलप किया जा रहा है।